झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सुबह 8 बजे से 24 जिला कार्यालयों में मतगणना शुरू हो गई। चतरा जिले में सबसे अधिक 28 चरणों में मतगणना हो रही है, वहीं सबसे कम 2 चरणों में चंदन कायरी में काउंटिंग हो रही है। दोपहर 12 बजे तक पहले चुनाव परिणाम आने की संभावना है। जेएमएम ने कुल 81 सीटों में से इस बार 43 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि उसके सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी ने क्रमशः 31 और 7 सीटों पर चुनाव लड़ा। मतगणना के दौरान सबकी निगाहें जमशेदपुर पूर्वी सीट पर रहेंगी। यहां मुख्यमंत्री रघुवर दास का मुकाबला अन्य उम्मीदवारों के अलावा बीजेपी के ही बागी सरयू राय से होगा। रघुवर दास यहां वर्ष 1995 से जीतते आ रहे हैं। अभी तक आए रुझानों में कांग्रेस गठबंधन 40, बीजेपी 30, जेबीएम 4 और आजसू 2 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य उम्मीदवार 9 सीटों पर आगे चल रहे हैं। हालांकि रुझान पल पल बदल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी बहुमत के साथ सबसे करीब पहुंचती है।